इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में सभी पार्टी के नेता इलेक्शन के दौर पर हैं, लेकिन जो हमारे देश को बुनियादी जरूरतें हैं और एक आम जनता के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हमारे चैनल में स्वागत करेंगे। मैं अंकुर अस्थाना, क्यूरन में आपका स्वागत करता हूं और आज इसी स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करूंगा, सरकार की लचर प्रदर्शन पे बात करूंगा। और इसी चर्चा में हमारे साथ बाएं सबसे बाएं से जुड़े हुए हैं एडमिन अमन सर, उसके जस्ट बगल में अभिलाष पांडे जी और रिजवान खान जी, ये तीनों इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। और शुरुआत करना चाहूंगा मैं एडमिन अमन सर जी से और बात करूंगा फिर जीडीपी की बात करूंगा। सबसे पहले इलेक्शन का दौर है, पार्टियां इसी सब चीज पे आती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती हैं, किसानों के लिए बात करती हैं। बात हमारा चैनल हेल्थ का है तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो जो देश का जीडीपी स्तर है 1.6 है और ऐसे में अदर कंट्रीज के अपेक्षा इंडिया सबसे पीछे है। बांग्लादेश की बात करें सब एशिया कंट्रीज में, तो पाकिस्तान है और भी कंट्रीज की बात करें, जीडीपी स्तर इतना डाउन है आजादी के 7 दशक के बाद। क्या लगता है आपको स्थिति कैसी होगी हेल्थ की देखिए बिल्कुल। अगर मैं अंकुर, पहली बात तो इस मुद्दे को उठाने के लिए आपको शुक्रिया, क्योंकि अमूमन हम देखें कि अगर बेहतर स्वास्थ्य है तो बेहतर देश का आप निर्माण कर सकते हो, जी लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो कभी मुद्दा नहीं बन पाती। जी हमारे यहाँ मुद्दा बहुत सारी अलग चीज़ें बनती हैं, लेकिन जी देखिए अगर हम मूलभूत चीज़ों पे अगर कुछ खर्च करें, उसका कुछ सीमाएं बढ़ाएं, अच्छी मशीनरी बाहर से लेकर आएं जो मेडिकल हॉस्पिटल में लोगों को मदद कर सकती है, जी जो गरीब तबका है उनको इलाज की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं। क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं आती जरूर हैं, हर साल आती हैं, हर सरकार में आती हैं, लेकिन वो क्या गरीब इंसान तक तो पहुंच पाती है, ये बहुत जी बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भी आप छोटे हॉस्पिटल जो सरकारी उनमें पहुंच जाइए, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, यानी कि जो बेसिक हमारी जरूरत है वो कहीं भी नजर नहीं आती, नदारद नजर आती है। तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? चुनावी मुद्दों में बहुत सारी बातें होती हैं, राहुल जी मोदी जी को बोलते हैं, मोदी राहुल को बोलते हैं, लेकिन ये क्या इससे बेहतर हो पाएगा देश हमारा? मेरे ख्याल में आज अगर स्वास्थ्य की हम देखें जरूरत तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतने ज्यादा बीमारी हमारे देश में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर हमें शायद सोच समझकर हम सोचे तो उसके इलाज के लिए चीजें नहीं हो पाती हैं, उसके दवाइयों के लिए लोगों पर पैसा नहीं हो पाते, और बहुत सारी बीमारियां, एक दो का नाम नहीं लूंगा मैं, तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो हर साल आ रही हैं। और आप देखेंगे कि कभी गोरखपुर में बच्चे मर जाते हैं बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, मतलब ऐसे भयावह चीजें, कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो खुद कांधे पर रखकर डेड बॉडी को लेकर जाना को मजबूर होना पड़ता है। ये एक हमारे उस देश की तस्वीर है जो 70 साल आजाद होने के बाद आगे बढ़ गया है, लेकिन सूरत हाल नहीं बदला है। ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने, लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो कन्नी काटते नजर आते हैं। बिल्कुल, कई सवाल हैं, कई सवाल लगातार बने भी रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। अगर हम बात करें तो हमारे देश में अगर हेल्थ की बात की जाए तो 14 लाख डॉक्टरों की जरूरत होती है, और रिजल्ट ये निकलता है कि कहीं ना कहीं हम इस सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हम आपसे बताएंगे कि 1000 मरीजों में एक डॉक्टर की जरूरत होती है और इंडिया में 7000 में एक डॉक्टर मौजूद है। कैसे हम अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी सुविधाओं की बात कर सकते हैं? हम अभिलाष पांडे जी की तरफ रुख करेंगे। अभिलाष जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अगर हम विदेशी कंट्रीज में गए, हेल्थ की बहुत ज्यादा वहां पे वो केयर करते हैं, अगर एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर पहले तुरंत ट्रीटमेंट को तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ पहले एरिया देखी जाती है, कहाँ का वो इंसान है, फिर उसके बाद पॉलिसीज फॉर्म्स भरे जाते हैं। क्या कमी लगती है आपको स्वास्थ्य सेवाओं की? बिल्कुल कमी तो है अंकुर, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब हम एक बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड स्तर की अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में क्या अंतर है? दोनों की अपनी फार्मेसी होती है, लेकिन जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को बुखार है, पेट में दर्द है, तो अमूमन क्या होता है कि आप सरकारी अस्पतालों में जब दवाखानों में जाएंगे उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, उनके पास पैरासीटामोल नहीं है जो बेसिक टैबलेट्स हैं। और आप वही प्राइवेटाइजेशन क्यों इतना बढ़ रहा है, प्राइवेट अस्पतालों का स्तर क्यों इतना अच्छा बढ़ रहा है? क्योंकि लोग जो हैं उनको पता है कि हमें पहली बात तो पैसे कमाने का माध्यम मिल रहा है, साथ ही टैबलेट्स वहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कई जगह खबर पढ़ी, अमूमन खबरें आती रहती हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं, तो क्या इनको चेक करने वाला कोई नहीं है? ठीक है डॉक्टर है तो लोग सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कभी ना कभी तो ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि अगर आपका टाइम जो है 9 से 3 बैठने का है तो आपको 9 से 3 बैठना पड़ेगा।
अब कई अस्पतालों में मैं खुद भी गया हूँ कई बार, मैं उस दिन सफदरजंग अस्पताल में, दिल्ली की बात जी कर रहा हूँ, सफदरजंग जी अस्पताल में गया था, वहाँ पर डॉक्टर का समय सर 9 बजे का था बिल्कुल और उसके बाद डॉक्टर आ रहे हैं 10, 10:30 बजे और अपने टाइम से 1-1.5 बजे पहले निकल जा रहे हैं, तो पंक्चुअलिटी नहीं है, पंक्चुअलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने की ज़रूरत है और ये सरकारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। और मुझे लगता है जो सर ने गोरखपुर वाला जो मसला उठाया है वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल था लापरवाही का। और उसके बाद आप फिर वहां जाकर बाद में लोगों को सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उससे निपटने की किसी ने भी बात नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, काफी गहराई से उन्होंने बताया चीजों को। बात ये भी करेंगे कि अगर हम बात करें सरकार की, तो मोदी भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि GDP का स्तर बढ़ाया जाए, 2.5 किया जाए, लेकिन अभी उस पर विचार नहीं हो पाया। फिलहाल भारत में GDP स्तर की बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की तो 1.6। हम रिजवान जी की तरफ रुख करेंगे, वो आंकड़े लिए बैठे हुए हैं काफी देर से। रिजवान जी आपसे बात करना चाहूंगा मैं ये कि जो GDP का स्तर है आपको इंडिया की अपेक्षा अदर कंट्रीज में कैसा है, जो आपके आंकड़ों में बताता है, जरा बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चों की बात की जाए या फिर गर्भवती महिलाओं के बारे में बात की जाए या फिर बुजुर्गों के बारे में बात की जाए, क्योंकि बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी के लिए भी कब जा करके जानलेवा साबित हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। और छोटी छोटी बीमारियाँ आज के समय में हर एक इंसान को है, अगर आप किसी को भी देखेंगे कि कोई भी इससे वंचित नहीं है। आज के समय में 99% लोग कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं और ये बीमारी कब जाकर के जानलेवा साबित हो जाती है इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, और अगर ध्यान दे भी पाते हैं तो जब अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं होती है। जैसे अभी अभिलाष सर बात कर रहे थे डॉक्टर्स के बारे में, अभी एडमिन अमन जी हमारे साथ बात कर रहे थे कि अस्पतालों में हम जाते हैं तो अब सुविधाएं नहीं होती है, वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं और दवाइयों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम बात करें GDP की तो मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब में आपको बात करूँगा, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भारत में महज 1.6% की GDP है, जबकि अगर बात की जाए ब्राजील स्वास्थ्य सेवा पर लगभग 8.3%, रूस में 7.1% और दक्षिण अफ्रीका में 8.1% खर्च करता है स्वास्थ्य सेवाओं पर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर 1.6% और कहां पर 5 से ऊपर ही लगभग सारे के सारे लोग हैं, यानी कि सारे सारे जितने देश हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। वहां पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अगर 1.6% स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP खर्च की जाती है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, जहाँ पर हम स्टेचू यानी बनवा देते हैं इतनी लागत लगवा करके और बाकी चीज़ों पर हम लोगों को लड़ा तो देते हैं, लेकिन कभी भी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिरकार अस्पतालों की जमीनी हकीकत क्या है। जी बिल्कुल, लोग दर्द से कराह रहे होते हों और गर्भवती, अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में ही पिछले कुछ समय में गर्भवती महिलाएं अपने उसके लिए जाते हैं डिलीवरी के लिए तो नॉर्मल चेकअप के ये बोलते हैं कि नॉर्मल पेन है और उसको भगा दिया जाता है, जबकि वहां से जाने के बावजूद गेट पर ही डिलीवरी हो जाती है और उसके बावजूद डॉक्टर देखने के लिए नहीं आते। ये कहने की लापरवाही, अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे देश में लगभग 14 लाख डॉक्टर्स की कमी है जिनका होना अनिवार्य है। अगर हमें अपनी हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाना है, हमें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का आगे लेकर आना है या उनको बेहतर बनाया जाए तो उसके लिए 14 लाख डॉक्टर्स होने चाहिए। जबकि ये है कि अगर कोई भी आबादी, अगर 1000 आबादी वाले देश है तो उसमें 1000 आबादी पर एक से दो डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 7000 आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यानी अच्छे से और कितनी तेजी के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, कितनी यानी अच्छी तरीके से हम अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सवाल निकल के आते हैं, ये बहुत बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही निंदनीय बात है और सोचने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्या एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। जहां पर भी झारखंड में जन आरोग्य योजना लागू की गई थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाकी अस्पताल से एम्बुलेंस हमें शहरों में ही क्यों दिखती है, चाहे वो चैरिटी की एम्बुलेंस हो या किसी के नाम पे चलती है,
हम सरकार को टारगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन साफ तौर पर जो मोदी जी का जो अभियान था, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, वहाँ पर जहाँ पर मैंने एक रिमोट एरियाज में भी ये देखा है कि गांव गांव जाकर लोगों ने शौचालय की जो है बनवाए हैं, और ये एक अच्छा स्टेप था। तो क्यों नहीं वो स्वास्थ्य के लिए भी उठाया जाए, क्योंकि आज भी अगर गाँव और घर में कोई बीमार पड़ता है तो 400-500 किलोमीटर दूर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है, इतने में मरीज जो है अपना दम तोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, और अगर मुहिम जब तक छेड़ी नहीं जाएगी तब तक भला नहीं हो सकता। 14 लाख डॉक्टर्स की कमी एक बहुत बड़ा एक माइनर है, और दक्षिण अफ्रीका का जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, मैं हैरान हूँ। मतलब शायद अफ्रीका में हमारे भारत से ज्यादा बीमारियां हैं, और उसके बाद उन्होंने 8.8%, ये बेहतरीन आंकड़े हैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जल्दी से सर से रुक करूंगा, लेकिन थोड़ी सी एक बात ये करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बातें कर रहे हैं, अब डॉक्टर्स जो है पढ़ लिख के ऐसी बातें करते हैं कि वो गांव में इलाज करने नहीं जाएंगे। अब गांव की सुविधाएं तो पहले हमें देखनी है, शहर में तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अब अविलास जी ने बात उठाई थी कि गांव में दूर डिस्टेंस में हॉस्पिटल्स हैं, अगर नहीं सुविधा हमें तो चंद सेकंड की जरूरत होती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, अगर नहीं हो पाया तो हम कैसे रहेंगे। कुछ तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कुछ में पहले की रिपोर्ट अविलास जी की, उसमें साफ लिखा हुआ डॉक्टर्स जो हम लोग जिन्हें मानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है जी, वो साफ कह रहे हैं उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की, आप मुझसे सर्टिफिकेट वापस ले लीजिए लेकिन मैं गाँव में नहीं जाऊँगा। यानी इस तरह के हमारा माइंड सेट है, हम अमेरिका जाना चाहते हैं, हम यूरोप के देशों में जाना चाहते हैं, हम मतलब विदेशों में जाकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मतलब सेवा क्या करना चाहते हैं, मेवा कमाना चाहते हैं। अगर सेवा ही करनी है तो हमारे देश में इतना बड़ा इलाका है, इतने बड़े लोग हैं, ज्यादा लोग हैं कि अब जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन बावजूद इसके हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टरी अगर पेशा देखेंगे अविलास जी, तो डॉक्टर पेशा सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बिल्कुल जी, बल्कि लोगों की सेवा करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोग अपनी पगड़ियां डॉक्टरों के कदमों में रख देते हैं, क्योंकि उनको भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ये समझना पड़ेगा। और सही बात है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा विलास ने उठाया कि ऐसे एरियाज हैं हमारे यहाँ पर जहाँ एम्बुलेंस तो छोड़िए गाड़ियां भी नहीं है लोगों के पास, नदियां हैं, वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, पूरे रातों में वहां पर कुछ ऐसा साधन ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी हमारी सरकार सोई हुई है, ऐसे मुद्दे कभी भी चुनावी जो है बहसों का दौर का हिस्सा नहीं बन पाते, ये सोचनीय विषय। क्योंकि 1 अरब 25 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, यहाँ पर जो स्थिति भयानक बनी हुई है बीमारी के मामले में, वो बेहद सोचनीय विषय है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो हमसे अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है मेडिकल के मामले में, श्रीलंका और पाकिस्तान, नेपाल, ये भी शायद हमसे बेहतर है। तो क्या हम किस तरह का भारत बना रहे हैं, कैसा हम लोग स्वास्थ्य के मामले में भारत को बेहतर बना रहे हैं, तो ये सोचने का विषय आज बेहद जरूरी है इसके ऊपर। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपके फोन में एम्बुलेंस हेल्पलाइन का नंबर तो है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक गाँव में जब आप बैठे होते हो और आपके सामने कोई मरीज बीमार पड़ता है, या कोई भी आपके घर पे भी मरीज बीमार पड़ता है, तो क्या वो 103 नंबर घुमाने पे एम्बुलेंस आएगी? नहीं आएगी। रिमोट एरियाज में एम्बुलेंस सर है ही नहीं, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ आसपास के शहर भी जो हैं, वो भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास से एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। अमूमन जो है, जो हम दिल्ली में देखते हैं, लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं कि एम्बुलेंस सेवा हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज कोई, मान लीजिए कि कोई बिल्कुल गरीब परिवार से, किसान तबके का इंसान है, वो कहाँ से गाड़ी का जुगाड़ करेगा, कहाँ से उसे अस्पताल ले जाएगा 400-500 किलोमीटर दूर, 250-250 किलोमीटर दूर। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़मीनी स्तर पर, और ये काम वहाँ के विधायकों का है, ये काम वहाँ के सांसदों का है, कि हमें अपने क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। विकास आप किस मामले में कराना चाहते हैं? विकास इसी को कहा जाता है कि जब जहाँ पर आपके लोग कम बीमार पड़े, लोग खुश रहें, लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तो मुझे लगता है ये सोचने की जरूरत है। यहाँ पर विकास की आप बात करें बिलाल जी, कल की बात नहीं, परसों की बात है, राजस्थान में चुनाव चलने वाले हैं, उससे पहले ही मैं वहाँ पर गया हुआ था, और मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि जो महिलाएं हैं इतना गंदा पानी पी रही हैं, अगर उसे सूंघेंगे तो बू आती है उससे, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और उसी की वजह से वो सारी की सारी महिलाएं, उनको खाज, खुजली, दाद, फूड़ी, फुंसा, ऐसी चीज़ें हैं कि उनके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई है ही नहीं वहाँ पर, अस्पताल की ये स्थिति है। और अगर आप विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक को 5 साल हो गए अब तो, मतलब यानी कि 7 साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक 5 साल के अंदर एक बार भी वहाँ के जो विधायक है जगत सिंह, एक बार भी देखने के लिए नहीं आया वहाँ पर, इतनी खराब स्थिति है वहाँ के अस्पतालों की। अब आज इसी तरीके से हमारा विकास होगा, इसी तरीके से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत होंगी, वो बेहतर होंगी, क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और बड़ी दुर्दशा देखने को मिलेगी अगर आप गांव में जाओगे, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है। जी जी बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में हैं, और हमें समझना चाहिए कि हम किस तरीके की राजनीति करते हैं।
हम हेल्थ की बात करते ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते ही नहीं, गरीबों की बात करते ही नहीं। आप सरकारी कई सवाल अच्छे अच्छे से जवाब दिया सभी एक्सपर्ट्स ने और बताया कि कहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है ही नहीं और झोला छाप डॉक्टरों में इलाज होता है तो बीमारियां कोई और हो जाती हैं, ट्रीटमेंट कोई और होता है। इतने सारे जो सवाल हैं, कहीं ना कहीं सरकार, हम चाहते भी हैं कि ये सवाल जो आम जनता के हैं, एक्सपर्ट्स के हैं, लोगों की राय है, ये कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे, वो जमीनी हकीकत को समझे, ना कि पेपरी कार्रवाई हो और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाकर पेपर रद्दी में बंद होता जाए और डस्ट पड़ती जाए। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और जरूरी है आम इंसान की जिंदगी का ख्याल रखना। सरकार की नीतियां भी यही कहती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने आसपास साफ सफाई रखें, कम से कम आप इतना करें तो अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल इजाजत चाहूंगा और सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, सब मेरे साथ जुड़े एडमिन सर का भी, अभिलाष जी का भी और रिजवान जी का भी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ, इन्होंने जो इस चर्चा में मेरे साथ सहयोग दिया उसके लिए शुक्रिया। अब आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल क्यूरेनिया आयुर्वेदा से लगातार जुड़े रहिए, हेल्थ अपडेट की सारी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।